नमस्कार, आइए आज मेलोडिका के ऊपर मैं आपको गायत्री मंत्र सिखाता हूँ। पियानो, सिंथेसाइजर, हारमोनियम और मेलोडिका की कीज सेम है, तो मेलोडिका बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं, तो आज मैं उनके लिए गायत्री मंत्र लेकर आया हूँ जो मेलोडिका में कैसे बजा सकते हैं। तो आप देखिए, आसान काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मेलोडिका पे आप गायत्री मंत्र सुनिए। आज सबसे पहले मैं सरगम बोलता हूँ। मैं आपको दिखाता चलूंगा, आप कीज देखेंगे तो आप घर पे बजा सकते हैं आसानी से। ग रे ग प ग ग ग प ग रे 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 नी रे नी रे ग रे सा सा रे ग रे सा सा। जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, मैं तो चाहता हूँ कि सबको ये सरगम याद हो जाए, लर्न कर लें आप। और सरगम जिसको याद हुआ, आप बड़े ही आसानी से गायत्री मंत्र बजा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज सरगम लर्न करेंगे सभी, और सरगम लर्न करके आप बजाना शुरू करें। आइए फिर से बोलता हूँ एक बार। ग रे ग प ग ग प ग रे रे नी रे नी रे ग रे सा रे ग रे सा सा। प प प प प प प प ध सा ध प प प ग ध प ग रे रे सा रे ग रे सा सा। प प प प प ध सा ध प प प ग ध प ग रे सा रे ग रे सा सा। तो आप इसको लर्न करके बड़े ही आसानी से आप बजा सकते हैं। अभी आप, मैं कीज इस पे दिखाता हूँ। जितने भी दुनिया में जो भी हैं, जो गायत्री मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र जप करते हैं, अगर उनको बजाना आ जाए तो कितना मज़ा आएगा, कितना अच्छा लगेगा कि बजा करके भी वो गा रहे हैं। हारमोनियम पे जब हम लोग भी छोटे छोटे थे तो बजाना नहीं आता था, पर अब बजाकर गाने का एक अलग आनंद है, उसे सुर को भी सपोर्ट मिलता है। तो आइए इस पे हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं। शांति 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 ओम। इसका सरगम है रे ग सा। तो आप बड़े आसानी से गायत्री मंत्र बजा करके आप गा सकते हैं, और आप सब बजाएं, सबको सुनाएं। आप पूरे जितने भी बच्चे सीखने वाले हैं सभी, आप मेलोडिका पे भी, बच्चे बड़े सभी मेलोडिका पे भी आप गायत्री मंत्र बजाएं और आनंद लें। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में और नए सरगम, नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।